दोस्तों 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कुछ पॉलिटिकल रिसर्चर्स ने एक खुलासा करते हुए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की हाइपोथेसिस को दुनिया के सामने रखा। इस हाइपोथेसिस का दावा था कि चाइना दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए चाइनीज मेनलैंड से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पोर्ट सुडान तक चाइनीज मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज का एक नेटवर्क बना रहा है और इस पूरे रीजन में स्थित कई देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हाइपोथेसिस सही थी तो उसका सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए था, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट चाइनीज स्ट्रेटजी को इंडिया के खिलाफ बता रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर चाइना के सामने खड़े होने की ताकत कोई देश रखता है तो वो है इंडिया। स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडिया को काउंटर किए बिना चाइना पहले एशिया का और फिर दुनिया का बादशाह बन जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। खैर, इंडिया के सामने ये हाइपोथेसिस सच की तरह तब आने लगी जब चाइना ने ऑफिशियली BRI प्रोजेक्ट को 2013 में लॉन्च किया और उसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी से पास करवाने का प्लान बनाया। शी जिनपिंग के रूल में चाइना एक एग्रेसिव देश बनकर उभरा है और फिर डोकलम से लेके गलवान तक की कहानी तो आप जानते ही हैं। पर अब इंडिया भी कॉशियस है और चाइनीज स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए वो खुद के प्लान्स को मजबूत कर रहा है और स्कॉलर्स अब इसी प्लान को नेकलेस ऑफ डायमंड का नाम देने लगे हैं। पर आखिर है क्या ये नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी? आज के वीडियो में हम इस स्ट्रेटजी का विजुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे और मैप्स के थ्रू जानेंगे कि इंडिया का प्लान आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी के ब्रीफ इंट्रो से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेकलेस ऑफ डायमंड टर्म का सबसे पहला इस्तेमाल इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ललित मानसिंह ने 2011 में किया था। एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजी है जिसके तहत इंडिया अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में कई देशों के साथ अपने नेवल कोऑपरेशंस, इंगेजमेंट्स, डेवलपमेंट एड्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी किसी ऑफिशियल इंडियन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रेटजी के अंडर है और कौन सा नहीं। इसलिए हम इस नेकलेस में जिन भी डायमंड्स का नाम लेंगे वो सब केवल स्पेकुलेटिव असेसमेंट्स में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस स्ट्रेटजी को विजुअली समझते हैं। शुरुआत करें बे ऑफ बंगाल से, तो यहाँ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड है इंडिया की खुद की टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये वो आइलैंड है जिसने सालों से चाइना की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि ये चाइना के मलक्का डाइलमा को सरदर्द बना देता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज को इंडिया लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। 2019 में इंडिया ने लगभग 56 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान रिलीज किया था, जो यहाँ एडिशनल वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ट्रूप्स और ड्रोन्स को स्टेशन करने के लिए था। 24 जनवरी 2019 को इंडियन नेवी ने यहाँ NAS शिवपुर की फैसिलिटीज को एक्सपैंड करते हुए उसे INS कुहासा के टाइटल के तहत कमीशन किया था और इस तरह से INS कुहासा यहाँ का थर्ड नेवल एयरबेस बना आफ्टर INS उत्कोर्ष एट पोर्ट ब्लेयर एंड INS बास एट कैम्फेल बे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए लगभग 163 किलोमीटर पर हम इंडोनेशिया के एक इंपॉर्टेंट आइलैंड पर पहुंचते हैं, जो इंडिया के काउंटर इंसर्कलमेंट प्लान का अगला डायमंड माना जा रहा है। नाम है सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट इंडोनेशिया के सुमात्रा में है। इंडिया ने रिसेंटली यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो वहाँ एक डीप सी पोर्ट भी बिल्ड कर रहा है। 2018 में इंडिया ने इस इंडोनेशियन आइलैंड में मिलिट्री एक्सेस भी गेन किया था। इसके बाद इंडियन नेवल शिप्स INS सुमित्रा और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप INS विजीत ने सबांग आइलैंड को विजिट भी किया है। इस डायमंड की खास बात यह है कि ये पोर्ट क्रूशल चोक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट के माउथ और वेस्टर्न एज में स्थित है और अंडमान एंड निकोबार से काफ़ी क्लोज भी है। अगला डायमंड सबांग से ईस्ट में लगभग 1090 किलोमीटर दूर स्थित सिंगापुर का छंगी नेवल बेस है। छंगी भी चाइना का हेडेक बढ़ा देता है, क्योंकि ये भी मलक्का स्ट्रेट के माउथ और वेस्टर्न एज के पास लोकेटेड सिंगापुर स्ट्रेट पर है। एक स्ट्रेटजिक मूव के तहत सिंगापुर और इंडिया ने 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसने इंडियन नेवी शिप्स को छंगी में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ चाइना सी में चल रहे डिस्प्यूट्स और चाइनीज एग्रेशन के चलते सिंगापुर जैसे देश भी इंडिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं और इसका फायदा इंडिया उठा रहा है। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट डायमंड है फिलीपींस।
साउथ चाइना सी इशू में इंडिया ने फिलीपींस को स्ट्रांग सपोर्ट देकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इनिशिएट किए हैं। अगस्त 2021 में दोनों कंट्रीज ने चाइना से बिना डरे साउथ चाइना सी में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया। इसके अलावा $375 मिलियन डील के तहत जनवरी 2022 में फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इम्पोर्ट करने का डिसीजन लिया। ये डील लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि फिलीपींस पहली कंट्री बनी जिसने इंडिया से ये मिसाइल सिस्टम खरीदी है। फिलीपींस के वेस्ट में लोकेटेड वियतनाम अगला इंपॉर्टेंट डायमंड है। 2016 में इंडिया और वियतनाम ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। वियतनाम भारत से आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी इम्पोर्ट करना चाहता है। नेवल एक्सरसाइज पैसिक्स के तहत दोनों कंट्रीज ने एक्टिव डिफेंस एंगेजमेंट भी दिखाया है। इसके बाद अगला डायमंड है चाइनीज मेनलैंड के पास स्थित चाइनीज राइवल जापान। दोस्तों, चाइना के हेजमनी को रोकने के लिए जापान इंडिया का एसेंशियल पार्टनर है। जापान ने मार्च 2021 में ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि ODA द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4 बिलियन येन ऑफर किए हैं। वहीं 2017 के अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक समिट के दौरान इंडिया और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर अनाउंस किया। चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इस कॉरिडोर के तहत दोनों कंट्रीज ने कोलैबोरेट कर अफ्रीका में जॉइंट डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, स्किल्स, एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर फोकस किया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चाइना का OBOR इंफ्रास्ट्रक्चर और चेकबुक डिप्लोमेसी ओरिएंटेड है, वहीं AAGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे लॉन्ग टर्म पीपल टू पीपल सस्टेनेबल गोल्स पर फोकस है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिकली मार्च 2022 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया और जापान को कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने की अनुमति दी है। इस प्रोजेक्ट से हम साउथ एशिया को चाइना लेस बना सकते हैं। फाइनली क्वाड के माध्यम से दोनों कंट्रीज ने इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लाने का प्रयास किया है। नेवल एक्सरसाइज जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज यानी कि JIMEXX एक्सरसाइज मालाबार के तहत दोनों कंट्रीज ने एक्टिव मिलिट्री कोऑपरेशन दर्शाया है। अगला डायमंड है सेंट्रल एशिया में स्थित मंगोलिया। दोस्तों, 2015 में PM नरेंद्र मोदी इंडिया के फर्स्ट PM बने जिन्होंने मंगोलिया को विजिट किया। इस विजिट के दौरान गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया मंगोलिया रिलेशनशिप को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म किया। इसके अलावा इंडिया ने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करते हुए मंगोलिया को इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प भी प्रोवाइड की है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से मंगोलिया के साउथ डोर्नोगोवी प्रोविंस में कंट्री का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेटअप होगा। इसी के साथ बायलेटरल एयर कॉरिडोर सेटअप किया जाएगा जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। वहीं अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, एनुअल मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के तहत रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगला डायमंड है ईरान का चाबहार पोर्ट। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट को बिल्ड करने का एग्रीमेंट साइन किया था। 2019 में इंडिया ने इस पोर्ट में ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए थे। इस पोर्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये था कि ये इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस प्रोवाइड करने वाला है। हालांकि US और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन्स के चलते इंडिया के ईरान के साथ संबंधों में भी असर पड़ा है। ऊपर से US को काउंटर करने के लिए ईरान चाइना की तरफ झुक रहा है और उसका नुकसान भी इंडिया को हो सकता है। पर इसके बावजूद इंडिया और ईरान के टाइज हिस्टोरिकल हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चाबहार पोर्ट इंडिया के जियोपॉलिटिकल एम्स के लिए क्रूशल साबित होगा। ओमान का डुकम पोर्ट अगला बेहद ज़रूरी डायमंड है और इसकी दो वजह हैं। पहला तो ये कि ये पोर्ट क्रूशल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है। दूसरा ये कि डुकम पोर्ट चाइना के दो इम्पॉर्टेंट पल्स यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित चाइनीज मिलिट्री बेस जिबूटी और इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर के बीचों बीच है और 2018 में इंडिया ने इस पोर्ट में भी मिलिट्री एक्सेस गेन कर लिया था। अगला डायमंड है इंडियन ओशन में स्थित सेशल्स का अजम्पशन आइलैंड। दोस्तों, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स के मेन आइलैंड माहे से अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है और ये भी इंडियन ओशन में ही है। अजम्पशन आइलैंड पर इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे पायरेसी और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इंडिया ने सेशल्स के साथ यहाँ एक कोस्ट गार्ड फैसिलिटी बिल्ड करने का 2015 में एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन सेशल्स में इस डील को लेकर चल रही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म के चलते ये प्रोजेक्ट 2018 से स्टॉल्ड है। कुछ सेशल्स के पॉलिटिशियंस इस प्रोजेक्ट को अपनी सोवरेनिटी पर भी खतरा बताने लगे थे क्योंकि उन्हें डर था कि इंडिया आने वाले टाइम में यहाँ एक मिलिट्री बेस बना देगा। खैर, इंडिया लगातार इन कंसर्न्स को एड्रेस कर इस कोशिश में है कि किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए थ्रू डिप्लोमेटिक स्किल्स।
इस नेकलेस का आखिरी डायमंड है मॉरिशियस और उसका छोटा सा आइलैंड एगेलेगा। एगेलेगा आइलैंड इंडिया के साउथ में लगभग 3500 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में लोकेटेड है। अगस्त 3, 2021 को अल जजीरा ने एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने का दावा किया और कहा कि नॉर्थ एगेलेगा आइलैंड पर इंडिया एक मिलिट्री फैसिलिटी बनाने का काम शुरू कर चुका है। हालांकि इंडिया और मॉरिशियस गवर्नमेंट दोनों ने ही इन दावों को खारिज किया, लेकिन अल जजीरा के रिसर्चर्स ही कहते हैं कि यहाँ हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस का बिल्डअप मिलिट्री नेचर का है, जिसमें सर्विलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के तहत एक एयरफील्ड, पोर्ट और कम्युनिकेशंस हब बना रहा है। इंडिया का दावा है कि फैसिलिटीज इंडिया की सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी कि सागर पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत हम इंडियन ओशन रीजन में स्थित देशों के साथ अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि रीजन की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। वहीं मॉरिशियस कहता है कि इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल उसके कोस्ट गार्ड पर्सनल्स करेंगे। एगेलेगा आइलैंड का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आइलैंड इंडियन ओशन में तो है ही, उसके साथ साथ ये अफ्रीका से काफ़ी क्लोज हैं, जहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस पिछले 10 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे इंडिया ने न केवल स्ट्रेटजिक बेसिस के थ्रू बल्कि चाइना के पेरिफेरल कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटजिक टाइज एस्टैब्लिश करके चाइना को गारलैंड करने की कोशिश की है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के एनुअल रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन रीजन 2016 के अनुसार इंडिया के प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी ने चाइना के ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अपना डोमिनेंस असर्ट किया है और चाइना के फ्रीडम ऑफ एक्शन को रिस्ट्रेन किया है। ये दर्शाता है कि कैसे हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड इनिशिएटिव चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन काउंटर स्ट्रेटजी नेकलेस ऑफ डायमंड की। इस पूरे विजुलाइजेशन पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।